ओम नमः शिवाय। मन में कोई ना कोई चिंता हर एक व्यक्ति के लिए होती है, चाहे वो चिंता अपने धन से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, बच्चों को लेकर, घर परिवार, रोजगार, नौकरी, पैसा, हर एक चीज़ को लेकर किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता हमेशा होती है। चिंता से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, चिंता का क्या निवारण है, और कभी भी आपको चिंताएँ ग्रसित न करें, परेशान न करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 2.5 मिनट के वीडियो को पूरा देखें, आप इस परेशानी से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। सबसे पहली चिंता तभी होती है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है। सोचना चाहिए, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि विचार करेंगे तभी तो चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन ज़्यादा सोचने का मतलब ही यह होता है कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं, क्योंकि अच्छा आदमी बहुत कम सोच सकता है। इसलिए अच्छा सोचें, कम सोचेगा तो अच्छा ही सोचेगा। दूसरी बात होती है कि हमारे जो बीते हुए अनुभव है, जो हमारे साथ धोखे हुए, छल कपट हुए, इन सब चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है, न कि इन चीज़ों को दिमाग में लेकर उन्हें हमेशा उसी तरह की चीज़ें फिर से घटित होगी, ऐसा नहीं होगा। जो हुआ वो एक अनुभव था, और उस अनुभव को केवल हमें अनुभव तक सीमित रखना है, और उस अनुभव को लेने के बाद आगे बढ़ना है। तीसरी बात है कि जीवन में हमेशा किसी भी चीज़ की पहल करें। आप जब तक पहल नहीं करेंगे, जब तक संवाद स्थापित नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आप ये सोचें कि मैं ये क्यों करूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको ही करना है, क्योंकि आप एक चिंता के साथ ग्रसित हैं, उसका निवारण केवल आप कर सकते हैं, और कोई बाहर से लोग उसे नहीं समझेंगे, और न ही लोग आपकी उसमें कोई मदद कर पाएंगे। क्योंकि रोग अगर कोई दिखे तो उसे डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रोग जो होता है, चिंताओं का रोग, वो मन के अंदर होता है। चौथी बात है कि हमेशा खुद को पॉजिटिव फील करें, सकारात्मक फील करें, खुद से बातें करें। जब आप खुद से बातें करेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ों का आपको समाधान मिल ही जाएगा। दोस्तों, अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, एक बार जरूर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाएं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। वीडियो आप यहाँ तक सुनते आए हैं, आपको अच्छा लग ही रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और सबसे बड़ी कीवर्ड जो आखिरी में आपको मैं बताता हूँ, कि कोई भी चिंता हो उसे ईश्वर पर छोड़ दें, उसका समाधान हो जाएगा। कर्म करते रहें। ओम नमः शिवाय।